कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, मतलब लाइंस एक से ज्यादा लाइन है इसका मतलब दो इक्वेशन पूछेगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर विच टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है 1/2. टेन थीटा बोले तो स्लोप, टेन थीटा बोले तो स्लोप दे दिया. ठीक है, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. थीटा क्या है? इंक्लिनेशन, यानी थीटा कितना एंगल बनाता है. थीटा क्या है? लाइन का इंक्लिनेशन है, मतलब जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल क्या बनाती है? थीटा. और एंड वाई इंटरसेप्ट इज -3/2. और क्या दे रखा है? वाई एक्सिस को काटती है किस पे? -3/2 पे. यस और नो? तो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको. ये हो गई लाइन, इसका इंक्लिनेशन कितना है? थीटा. यस और नो? और क्या दे रखा है? इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट दे रखा है कितना? -3/2. यानी ये लाइन वाई एक्सिस को कहां पे काटती है? -3/2. यानी कि नीचे कहीं होगी लाइन. इसका मतलब ये लाइन ऐसे हो सकती है. ये तो मैंने रफ फिगर बनाई है, रियल फिगर की जरूरत होती नहीं है ये. ठीक है भाई? तो ये लाइन वाई एक्सिस को कहां पे काटती है? 0 -3/2 पे. और ये इंक्लिनेशन दे रखा है लाइन का एंटी क्लॉकवाइज कितना है भैया? थीटा. कोई दिक्कत किसी को? लाइन तो जैसे मर्जी बनाओ. अब पॉइंट नेगेटिव था इसलिए मैंने लाइन को यहाँ पे बना दिया. उससे फर्क नहीं पड़ता, वहां बना दो पॉइंट, यही लिख दो. हाँ या ना? कोई फर्क नहीं पड़ता फिगर के लिए, वो नहीं बोलता है. हम रफ फिगर बनाते हैं, वो भी अपने लिए. क्लियर? एक बार ऐसी फिगर बनाएंगे, एक बार ऐसी फिगर बना देंगे. ये हमें तो नहीं पता फिगर क्या है, ये बना दी हमने. ये थीटा दे रखा है और ये वाई का इंक्लिनेशन दे रखा है. एक्स का 0 होगा, वाई का क्या है? -3/2. क्लियर? उससे फर्क नहीं पड़ता है, फिगर से फर्क नहीं. बस फिगर आपको क्लैरिटी दे देगी. ठीक है, जहां पे बोलेगा फिगर बनाने के लिए वहां फिगर के नंबर होंगे. क्लियर है भाई? ये तो रियल फिगर है, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट नीचे आएगा, तो इसलिए ऐसी लाइन बना दी मैंने. थीटा ही हो गया, बात वही है. क्वेश्चन समझ रहे? तो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. लाइन की इक्वेशन लिखनी है. ये थीटा हो गया हमारे पास एंगल. आपके पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास क्या? टेन थीटा. क्या दे रखा है? टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2. और टेन थीटा क्या होता है? स्लोप होता है. तो स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है? एम. एम इक्वल्स टू क्या होता है? टेन थीटा दे रखा है. कितना दे रखा है? 1/2. तो एम पता लग गया कितना है? 1/2. और क्या दे रखा है? वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट. वाई इंटरसेप्ट को हम किससे लिखते हैं? 0 सी. यही होता है वाई इंटरसेप्ट. और ये क्या दे रखा है हमारे पास? 0 -3/2. तो 0 = 0, सी बराबर कितना हो गया? ये रहा. सी बराबर क्या हो गया? -3/2. और किसकी इक्वेशन लिखने के लिए बोल रहा है? लाइन की. क्या होती है लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में? y = mx + c. तो y = m कितना है? 1/2. x + c कितना है? तो -3/2. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो इसका एलसीएम करोगे तो 2 आ जाएगा. तो y = LCM कितना आ गया? 2. ये 2 कटेगा, ऊपर x आएगा, -3 आएगा. फिर क्या करने वाले हो बोलो? इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 2y = क्या हो गया? x - 3. या इसको इधर ले जाओ. तो x - 2y and -3 = 0 इधर लिखो या इधर लिखो. ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो लाइन को. समझ में आई बात भाई? मैंने कौन सी फॉर्म लगाई बताओ? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. एक स्लोप दे रखा है और एक इंटरसेप्ट दे रखा है. हाँ या ना? Yes, नहीं आई बात समझ में? और मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ, एक पॉइंट से पास करती है और स्लोप पता लग गया 1/2. किससे? बेसिक से. हाँ या ना? ये था पहला पार्ट. दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है भाई? एक लाइन है, उसका एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है कितना? 4. तो ये 4 डिस्टेंस पे काटती है, तो पॉइंट क्या होगा? 4 0. यस और नो? और थीटा तो वही दे रखा है. ये थीटा कितना है? पॉइंट इधर लिख देता हूं नीचे. तो ये पॉइंट क्या होगा? 4 0. और ये थीटा दे रखा है. और ये टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है उसने भाई? 1/2. कोई दिक्कत भाई किसी को? यानी क्या दे दिया ये? स्लोप. इक्वेशन लिख दो क्या होगी? y = mx - md. यस और नो? तो ये डी कितना है हमारे पास? ये रहा 4. ये डी क्या है? 4 है. पता लग रहा है ना भाई? तो y = mx. m कितना है? 1/2. x एंड माइनस m कितना है? 1/2. एंड d कितना है? 4. इसको काट दो, 2 × 4. तो y = क्या आ गया? 1/2 x - 2. यस और नो? इतना भी छोड़ सकते हो, एलसीएम करके सिंप्लीफाई कर दो. चेक करो आंसर क्या है.
चेक करो आंसर, पहले वाले क्वेश्चन ये लिखा आंसर या ये लिखा है? एग्जाम्पल नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, हाँ तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये वाला आंसर लिखा है सर, ठीक है तो इसमें से माइनस क्या करो कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का एक्स प्लस का टू वाई प्लस का थ्री इक्वल्स टू जीरो, माइनस को जीरो से खत्म कर दो तो माइनस एक्स प्लस टू वाई एंड प्लस थ्री इक्वल्स, ये आंसर लिखा है, ये लिखा है आंसर, ये वाला ज़्यादा अच्छा आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, तो ये y इक्वल्स टू क्या होगा, इसका एलसीएम करोगे 2 आएगा, 2 2 कटेगा, x माइनस 4 आएगा, 2 को उधर ले जाओ तो 2y इज इक्वल्स टू क्या हो गया x माइनस 4, इसको उधर ले जाओ तो x माइनस 2y एंड माइनस 4 बराबर 0, क्या आंसर है दूसरे वाले का है? इसमें से भी माइनस कॉमन लिया है, ठीक है उसकी मर्जी ले लो माइनस कॉमन, माइनस कॉमन मतलब फिर इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ तो माइनस का x प्लस 2y और इसको इधर ले जाओ प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, क्लियर है भाई? yes, समझ आ गई बात? हमने yes, किससे किया बताओ इसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, हम सीधा बेसिक से भी कर सकते हैं, yes, क्या बेसिक से कर सकते हैं? yes, एक पॉइंट और स्लोप दे रखा है, लिखो। अरे समझ में आ गया भाई? yes, यार देखो ये सी दे दिया और एम दे दिया, तो सीधा फॉर्मूला लिख दो ना, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी की जगह सी एम की जगह सिंप्लीफाई कर दो, क्लियर है भाई?